एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम क्लास 9 साइंस का दो चैप्टर्स के नोट्स की हम बात करने वाले हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। बहुत से बच्चों ने उसे डाउनलोड भी किया है वहाँ से। अगर बाय चांस अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के नोट्स, ठीक है। सेम इस वीडियो में मैं दो चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज मोशन एंड द फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। तो दोनों चैप्टर्स के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक आपको मिल ही रहा है दोनों चैप्टर्स का। तो बाय चांस आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं डालती रहती हूँ कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है या पीडीएफ वगैरह। मैंने बहुत सी पीडीएफ ऑलरेडी मैं वहाँ डाल चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की इंग्लिश के, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे मेरे नोट्स जो हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, वो ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच सके, ठीक है। मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिले हैं नोट्स शेयर करने के, कुछ नहीं मिल रहा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, नोट्स को शेयर करें, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके और गुड स्कोर कर सके, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, ओके। सीबीएसई के एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू हो जाएंगे आप लोगों की, 9th 10th 11th 12th सबके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद बनाओ, ज़रूरी नहीं है आप मेरे ही नोट्स से पढ़ो, आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, जिससे आप अच्छे स्कोर कर सको और रिवाइज कर सको उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एक दो दिन के बीच में छुट्टी होती है, फिर एग्ज़ाम आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि रिवाइज करने का ही टाइम होता है, ये पूरी बुक रीड करने का टाइम नहीं होता है। तो आपके पास नोट्स बने होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप नोट्स में से ही रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, तो आपके क्या होंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, 90+ मार्क्स आएंगे, ओके, 90+ परसेंटेजेस आएंगी, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों ही चैप्टर्स का, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।